अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। सोमवार से शुरू होगा लॉकडाउन 4, पीएम पर टिकी सबकी निगाहें। नई घोषणा में किसको मिलेगी छूट, किन पर रहेंगी पाबंदियां, कोरोना से मुक्त होने की उम्मीद में देश। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4 का ऐलान, 31 मई तक बढ़ाई गई पाबंदियां। राहत और पुनर्वास विभाग ने जारी की अधिसूचना, पीएम मोदी की घोषणा में राहत का इंतजार। लॉकडाउन में एमएसएमई को 3 लाख करोड़ के पैकेज से नई राहत। लोन को लेकर बैंक 12 महीने तक कंपनियों को नहीं बनाएंगे डिफॉल्टर, उद्यमियों की दलील, इससे फायदे की उम्मीद नहीं। औरैया हादसे के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का उच्चाधिकारियों को सख्त निर्देश। प्रवासी मजदूरों को असुरक्षित और अवैध वाहनों से ढोने वालों पर लगाए रोक, सुरक्षित भिजवाए घर। प्रवासी मजदूरों को मुलुक भेजने श्रमिक ट्रेनों की सेवाएं जारी। रेलवे मंत्रालय ने दी जानकारी, 300 रेलगाड़ियों से 3 लाख से अधिक मजदूरों को पहुंचाया गृह प्रदेश। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 30,706 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 1135 लोगों की मौत, 7,088 लोग स्वस्थ होकर घर लौटने से मिली राहत। महाराष्ट्र में शराब की होम डिलीवरी को मंजूरी, अर्थव्यवस्था को संभालने उद्धव सरकार ने दिया आदेश। लॉकडाउन में अल्कोहल से बेताब लोगों के लिए राहत, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने फैसले पर उठाया सवाल। नवी मुंबई में 24 घंटे में बढ़े कोरोना के 62 मरीज। कोपर खेरने और तुर्भे से आए संक्रमण के सबसे अधिक मामले, 1190 पर पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 31 की मौत, बढ़ रही मुश्किलें। पनवेल मनपा क्षेत्र में 250 के पार हुई कोरोना मरीजों की संख्या। ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल मिलाकर 24 घंटे में सामने आए 20 नए मामले। सीआईएसएफ के बाद अब रैपिड एक्शन फोर्स में भी पहुंचा संक्रमण और सख्त हुआ लॉकडाउन। ठाणे मनपा क्षेत्र में 1090 हुए कोरोना के मरीज, अब तक 48 ने गंवाई जान। 759 का उपचार चालू, संक्रमण पर नियंत्रण पाने में जुटा प्रशासन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने बनाई गई नई टीम।